आपको दूसरी चीज़ें जो आप करते हैं, जो जैसे मेरी प्रोडक्शंस हैं, मेरी राइटिंग होती है फिल्मों की और वो चीज़ें हैं, देन आई वॉज एबल टू फोकस ऑन दैट, वॉज ग्रेट. सो नो कम्प्लेंट्स. एनी वेज, आई स्टिल वॉन्ट थैंक ऑल माई फैंस, विच आई एम श्योर दे वेरी क्यूरियस के वाई आई एम नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो मूविंग ऑन, हमने काफ़ी क्लाउनिंग देखी. पहले मैंने एक क्लाउनिंग देखी, काइंड ऑफ फनी हार्मलेस. फिर मैंने दूसरी क्लाउनिंग देखी, फिर मैंने एक तीसरी क्लाउनिंग देखी, वो काफ़ी सीरियस थी, तो उस पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आया है. बाकी दो तो थोड़े इनोसेंट थे बेचारे, वो तो अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस से या जो भी है प्रोजेक्शन से वो कुछ बयान देते हैं हमारी सेलिब्रिटी. अनफॉर्चुनेटली ये जो एम्बेरसमेंट है, द गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग ऑफ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़, इसका काइंड ऑफ एक वो जो हमारा शुरू से एक इमेज बना हुआ है, ये उस इमेज को फिर से सीमेंट करती है. और इस बात पे मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग भी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, सेल्फ मेड लोग भी हैं, और ये वो लोग हैं जो हमेशा स्ट्रगल करते आ रहे होते हैं, क्योंकि ये सिस्टम इनको बेनिफिट नहीं करता, बिकॉज सिस्टम काफ़ी करप्ट है और काफ़ी नेपोटिस्टिक है, काफ़ी काउच ओरिएंटेड है, और काफ़ी एल्गोरिदम से और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन से और काफ़ी जहालत से अब एक डाउनवर्ड स्पाइरल पे काफ़ी अरसे से है. सो इस बात का मुझे बड़ा अफसोस होता है, एज एन आर्टिस्ट, एज ए सेल्फ मेड आर्टिस्ट जो एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखती हो, जब मैं लोगों को देखती हूँ. और ये जो क्लाउनिंग की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो एक ऐसा लगता है जैसे नेटफ्लिक्स का कोई मिनी सीरीज निकल आया है हमारे सोशल मीडिया पे. पहले मैंने एक वीडियो देखी, एक जनाब एक ऐसे नए ब्रिटिश एशियन एक्सेंट में बात कर रहे थे, कि वो ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रिटिश एशियन एक्टर हूँ. मैंने कहा है, सारी ज़िंदगी तो हमने आपको हमारे ड्रामों में, हमारे मुल्क के PTV से लेके डांस और अवार्ड शोज पे जो ट्रिब्यूट्स दिए जाते हैं बेचारे जो गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को पता नहीं क्या दुख देने के लिए वो ट्रिब्यूट्स होते हैं, लेकिन वो होते हैं, लेकिन अचानक से वो ब्रिटिश एशियन बन गए थे. नया एक्सेंट था मेरे लिए, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था, मेरे ख्याल में काफ़ी ब्रिटिश एक्सेंट भी नहीं सुना, बट मासूम आदमी थे बेचारे वो. खैर है यार, हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, ये पहला एपिसोड था उसका, कि एकदम से अंग्रेज़ बन गए थे वो, और अच्छा और बकौल है उनके, उन्हें काफ़ी अंग्रेजी फिल्में भी किए हैं एज ब्रिटिश एशियन. उसके बाद एक और क्लाउनिंग एपिसोड नंबर 2 हमने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, बर्गरिज्म पे. हमने बर्गरिज्म की वीडियो में ये सीखा कि बर्गरिज्म जो होता है ना, वो अंदर से होता है, वो बन कबाब कभी नहीं बन सकता. बर्गर जो कराची शहर, जो मेरे दूसरे पाकिस्तानी बहन भाई देख रहे हैं, कराची शहर में बर्गर और बन कबाब का बड़ा एक कॉम्पिटिशन है, क्लासिज्म है एक्चुअली. सो वो मोहतरमा जो ख़ुद डिफेंस की शायद नहीं है, जो बन कबाब कभी नहीं बन सकता बर्गर, जो कराची शहर, जो मेरे दूसरे पाकिस्तानी बहन भाई देख रहे हैं, कराची शहर में बर्गर और बन कबाब का बड़ा एक कॉम्पिटिशन है, क्लासिज्म है एक्चुअली. सो वो मोहतरमा जो ख़ुद डिफेंस की शायद नहीं है, जो ख़ुद पुल के किसी उस पार से आई हैं, उनको बड़ा दुख है कि पुल के उस पार रहने वाले लोग जब डिफेंस नए नए शिफ्ट होते हैं, वो बर्गर बनना चाहते हैं, उस स्पोर्ट्स वाले कपड़े जाके जिम में पहनते हैं, स्पोर्ट्स वाले कपड़े एज एन एथलेटर, एक्टिव वेयर, या और बोल को बाउल बोलते हैं. तो मैंने कहा चले, इनको बहुत किसी ने शायद तंग किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है, इस क्लाउनिंग में भी मैं सैडली ये कहूँगी कि वीडियो हमने देखी, उसमें बकायदा क्लासिज्म का अगेन एक मजाक उड़ाया जा रहा था, कि जो लोग बर्गर नहीं हैं, मतलब अंग्रेजी बट बोलने वाले, जैसे मेरे छोटा सा कज़न है बोलता है, जो ABCD बोलते हैं, और जो बड़े अंग्रेज़ होते हैं, जो बड़े कूल होते हैं, जो बहुत अर्बनाइज होते हैं, जो बहुत वेस्टर्नाइज होते हैं, उनको हम बर्गर, हम तो नहीं कहते, लोग बर्गर कहते हैं, तो उनको बहुत एक दुख है कि बर्गर जो है सिर्फ बर्गर होते हैं. एंड आई थिंक इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी, और इससे काफ़ी लोगों की दिलाजारी भी हुई है और होनी भी चाहिए,
कि जो इंसान अपने आप में जो प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं, प्रोजेक्शन होती है जो चीज़ आपको अपने आप के में बुरी लगती है, जिसका आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो आप जाके दूसरों में वो चीज़ एकदम से ढूंढते हैं और देखते हैं, और वो चीज़ फिर आपको बॉदर करती है क्योंकि वो आपको अपने बारे में रिमाइंड कराती है। क्योंकि थोड़ी सी अंग्रेजी बोलने से और जिम वाले कपड़े पहनने से सही बात है, कोई बर्गर नहीं बन जाता। और अगर कोई बन कबाब खाने वाला ये सब कर ले तो उसे भी पूरी इजाज़त है, वो भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक इनको शायद ये नहीं था पता कि कराची शहर की जो हिस्ट्री है, जो कराची के सबसे ख़ानदानी और रईस लोग हैं, वो हमेशा पुल के उस पार रहे हैं। डिफेंस तो अभी नया नया बना है पिछले कुछ सालों में, कुछ डेकेड्स से पहले। एंड अनदर एम्बेरसिंग एंड अ वेरी सैड वीडियो बट वेरी एंटरटेनिंग नन द लेस टू सी, ये सेकेंड क्लाउनिंग थी इन द सीरीज ऑफ द क्लाउनिंग ऑफ आर सेलिब्रिटीज, दैट द गिफ्ट दैट जस्ट कीप्स ऑन गिविंग। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि बजाय सिर्फ स्नैपचैट के इंस्टाग्राम के बेसिक पैटर्न्स को कॉपी करके उनकी रेप्लिकास बनाने की कोशिश अपने पेजेस पे, और स्नैपचैट के फिल्टर्स से बाहर अगर थोड़ा सा बंदा यहाँ की भी थोड़ी कॉस्मेटिक सर्जरी कर ले तो बड़ी अच्छी बात होगी विद टाइम्स। कोई जिम में क्या कपड़े पहनता है, कोई अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उर्दू अदब अगर किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी हो, लिटरेचर पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, माने जाते हैं पूरी दुनिया में वो। अंग्रेजी सिर्फ एक ज़बान है, आपको सिर्फ पढ़ा लिखा होना चाहिए। ज़िंदगी में एक दो किताबें पढ़ लें, थोड़ा एक्सपेंसिव माइंड रखें, और हर रोज़ कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करें, तो शऊर उसी से आता है आई थिंक। और ये जो इनटॉलरेंस है, ये जो क्लासेस स्टेटमेंट्स हम इतने कैजुअली बनाते हैं हमारे कुछ सेलिब्रिटीज, आई थिंक इट्स एम्बेरसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी पूरी इंडस्ट्री इस तरह से है। अरे हाँ जी, तो ये थी क्लाउनिंग एपिसोड नंबर 2 ऑफ द पास्ट फ्यू डेज एंड वीक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल इज अ सो कॉल्ड सेलिब्रिटी स्टारलेट एक्ट्रेस जिन्होंने बाकायदा मेकअप आर्टिस्ट को हॉस्टेज बना के उनसे फ्री में काम करवाया और उन्हें अब्यूज़ किया, उन्हें गालियाँ दी। और क्यों दी, किस लिए दी, ये अल्लाह ही जानता है। बट देन एट द एंड ऑफ द डे, पार्ट 3 भी पार्ट 1 और पार्ट 2 से कोई इतना अलग नहीं है। ये इंटरनल कॉम्प्लेक्सेस, ये शेम, ये एहसास कमतरियाँ, ये कॉन्स्टेंट डिनायल अपनी असलियत की, अपनी हम्बल रूट्स की, अपनी बैकग्राउंड की। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आपको फ़ख्र से कहना चाहिए कि जी मैं तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया था या आई हूँ, और मैं अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से आगे चले गए। लेकिन ये लोग ये कह नहीं सकते, वो इसलिए नहीं कह सकते कि ना अपनी मेहनत से आए हैं ना अपने टैलेंट से आए हैं। ये दोनों चीज़ें हैं जो इन लोगों में है ही नहीं। ये आए हैं एक प्रोड्यूसर्स के ऑफिसर्स के चक्कर लगा लगा के, इंस्टाग्राम में फेक फॉलोअर्स बना बना के, और बुरे ड्रामे में रोबोटिक एक्सप्रेशनलेस ये बॉडी ऑफ वर्क होगी इनकी कुछ साल बाद, जब ये लोग देखेंगे ना। क्योंकि ऐसे लोगों के सेलिब्रिटीज़, मैं कहूँगी, मैं एक्टर्स नहीं कहती इनको, सेलिब्रिटीज़, इनका अटेंशन स्पैन उनकी बॉडी वर्क में ये होगा, 4-5 ड्रामे होंगे जो सारे एक जैसे होंगे। और अगर आप एक ड्रामे का एक सीन और दूसरे ड्रामे का दूसरा सीन देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये एक ही ड्रामा है। क्योंकि टैलेंट और स्टार अब वो होते हैं जैसे हिना दिलपजीर साहिबा हैं।
अगर आपने स्टारडम देखनी है ना, तो आप भी जरा चले जाएं और उनको भी लेके जाएं किसी मॉल में किसी जगह, और आप फिर लोगों की भीड़ देखें कि एक स्टार क्या होता है और उसकी कनेक्शन क्या होती है पब्लिक के साथ, कि किसी भी उम्र में किसी भी तरह किसी भी गेटअप में कोई भी किरदार करा लें वो करती रहेगी। जिस चीज़ का लाइफ स्पैन इतना छोटा है, तो फिर तो इनसिक्योरिटी शायद एक काउच प्रोड्यूस्ड रोबोटिक डैम्सल्स हु थिंक दे कैन ट्रीट अदर पीपल दिस वे एंड गेट अवे विद इट। स्नैपचैट फिल्टर से और फाउंडेशन और आई शेडो से थोड़ा बाहर निकले तो आपको समझ आ जाएगी कि तमीज़ आपको ज़्यादा काम आएगी शायद, और इससे आपको स्टार नहीं बनते। मैं अक्सर दूसरे स्टार्स को देखती हूँ जो एक्चुअल रियल स्टार्स हैं, शाहरुख खान हो गए, जॉनी डेप वगैरह हो गए, वो कितने फ़ख्र से बोलते हैं कि हम बहुत गरीब घर से आए थे, हमारी माँ इस तरह काम करती थी। जॉनी डेप का उसने वो कहता था कि रात को जब मेरी माँ 2 शिफ्ट करके आती थी एज ए वेट्रेस, वो अपनी टिप्स की कॉइन यूं रखती थी और मैं उनके पैर दबाता था। शी वॉज अ सिंगल मदर। वो कितने फ़ख्र से वो आदमी ये बात बताता है कि मेरी माँ ने मुझे इस तरह पाल के बड़ा किया है। आप लोगों को तो ये नहीं पता कि कौन से शहर से आई हैं आप लोग, क्योंकि आपने एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया होता है कि वो बर्गर्स हैं, बर्गर्स। सो आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस पीपल एंड आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ द BS एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय एंड सपोर्ट एवरीबडी वंस अगेन हु स्टूड अप अगेंस्ट सोशियोपैथ्स एंड हु विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ हरासमेंट एंड अब्यूज इन देयर वर्क प्लेस, बिकॉज नो वन शुड बी हरास्ड एंड हेल्ड हॉस्टेज एट वर्क। नो बडी, नो मैन, नो वुमन, नो स्पॉट बॉय एंड नो एक्टर। और सीनियर, सीनियर्स की तो खैर तमीज ही अब भूल गए हमारे सीनियर्स वगैरह, हम देखते हैं अभी तक लाइन नहीं होती हमारे मुंह से कि भाई ये थे, इनको हमने टीवी पे देखा है। एंड हाउ डू दे गेट ट्रीटेड बाय दीज पीपल, अनबिलीवेबल। सो इट्स एन एम्बेरसिंग सिचुएशन, बट देन अगेन इट्स ऑन अ डाउनवर्ड स्पाइरल एंड इट हैज बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ इट हैज कम टू दिस। बट ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आई स्टैंड बाय द टेक्नीशियंस, आई स्टैंड बाय द पीपल हु आर द बैकबोन ऑफ माई इंडस्ट्री, आई स्टैंड बाय द पीपल हु आर कंसिडर्ड वेरी डिस्पोजेबल। दे आर नॉट, दे आर नॉट, दे आर द रीजन अ लॉट ऑफ अस आर इन वर्क, बिकॉज ऑफ देम आर वर्क गेट्स डन। सो आई एम वेरी सॉरी, बट प्लीज नो कि इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत खामोश रहते हैं और बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। नहीं करना चाहिए उनको, उनको बोलना चाहिए, गलत के गलत को गलत बोलना चाहिए। और वेल देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो कुछ और पॉइंट्स हैं, बट आई रियली वॉन्टेड टू रैंट अबाउट दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई हैवन हैड अ रैंट। एंड ये हो गई हमारी रिव्यू ऑफ द क्लाउनिंग ऑफ द पास्ट स्पेशल लिमिटेड एडिशन, और अलग अरे ये लिमिटेड ही रहे क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग दिस पीपल। एंड बस अल्लाह इनको थोड़ी सी ह्यूमिलिटी दे दे और थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस दे दे। धूप में, गर्मी में, बगैर पंखे के, स्कोर्चिंग लाइट्स के नीचे काम करते हैं हम लोग, तो आराम से एसी के कमरे में बैठे होते हैं, वो लाइट करके बाहर आ जाते हैं, लाइट करके वापस चले जाते हैं। इन लोगों पे चीखना चिल्लाना किस स्टारडम का और किस बड़ेपन का दावा है? इतना तो मैंने देखा नहीं इन लोगों में कि अगर आप इतने बड़े स्टार हैं आपको सबको लेके चलना चाहिए, आप अपना बड़न तब दिखाएं जब आप किसी वनरेबल के सर पे हाथ रखें और उसका हाथ पकड़ें और उसका साथ दें। एक गरीब आदमी पे, स्पॉट बॉय पे चीखना चिल्लाना कौन सा स्टारडम है, कौन सा टैंट्रम है, कौन सा डीवा एटीट्यूड है ये? एक मेकअप आर्टिस्ट को हॉस्टेज बनाना कौन सा स्टारडम सेलिब्रेटरी रिचुअल है ये? ये कौन सी एक कॉग्निटिव डिसोनेंस से ये लोग गुजरते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये एक अलग ही एक सोशियोपैथिक
स्टेटमेंट्स, सोशियोपैथिक बिहेवियर, ऑन सेट, ऑफ सेट विद पीपल, और ये कब तक चलेगा, और ये क्यों चलेगा, और ये क्यों बर्दाश्त हो? आप इतने अगर बड़े कोई हस्ती बन गए हैं आपके दिमाग में, तो आप कोई बड़ा काम करके दिखाए ना, आप अपलिफ्ट करें उन लोगों को जो आपसे नीचे है। ये किसी मॉडल को, किसी मॉडल क्या मैं कहती हूँ, किसी भी एक एनी काइंड ऑफ पर्सन हु इज हायर्ड टू डू वर्क ऑन योर सेट इन योर वर्क प्लेसमेंट इज, आप भी उसी तरह हैं जिस तरह वो हैं, आप भी मजदूर हैं काम पे। गरीब आदमी को नीचा दिखाना, गरीब आदमी को टोकना, उस पर चीखना चिल्लाना, ये कौन सा माहौल है जो हमारे सेट्स पे इतना आम हो गया है अभी? और ये क्यों हर कोई इसके बारे में रो रहा है, हर कोई इसके बारे में परेशान हो रहा है? सेट पे जाके 10-10, 12-12 घंटे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में लोग काम कर रहे हैं। और मैं रायन और मैं जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, इकराम, सबको मैं कहती हूँ वेल डन, दैट वाज सो ब्रेव ऑफ यू टू स्टैंड अप अगेंस्ट दीज नोबडीज। Who do they think that you are that you can talk to somebody like this? आपके आप होती कौन है किसी को बोलने वाली दो टके की मॉडल? जरा अपने आप को देखें, अपना माजी देखें, अपने आप को आईने में जरा गौर से देखें। मेकअप, 4-4 घंटे मेकअप कराना किसी से मुफ्त में, आई एम श्योर पैसे तो दिए नहीं होंगे। Who are these people? सफेद दुपट्टे में और ग्लिसरिन आंखों में डाल के